नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सैमसंग की तरफ से आने वाले एक शानदार 40 एचपी का पावरफुल ट्रैक्टर, जिसमें किसान भाइयों आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं और साथ ही इसका जो पावर है किसान भाइयों बहुत ही दमदार निकल के आएगा। ये जो मॉडल है किसान भाइयों 2023 का मॉडल हम आपके लिए लेकर आए हैं, न्यूली ट्रैक्टर है किसान भाइयों। आज इस ट्रैक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार, आपका स्वागत करता हूँ एक न्यूली और शानदार वीडियो में। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो किसान भाइयों इसमें आपको मिल जाता है 3 पिस्टन का बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल इंजन, जिसमें आपको मिल जाता है 29.5 किलोवाट का यानी कि 40 HP का पावरफुल इंजन के साथ ही आएगा किसान भाइयों। और साथ ही इसमें मिल जाता है आपको सैमसंग का वाटर कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन किसान भाइयों। इसमें आपको किसान भाइयों इसमें मिलता है आपको 2500 cc का 2.5 लीटर का इंजन जो कि इनलाइन इंजन है। और साथ ही किसान भाइयों मैं आपको राइट साइड भी लेकर चलूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों बॉस का इनलाइन पंप, ये आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें मिल जाता है किसान भाइयों आपको वाटर सेपरेटर मिल जाता है। और उसके अलावा किसान भाइयों इसमें आपको मिल जाता है डबल डीजल फिल्टर। और इसका जो स्टेयरिंग है किसान भाइयों काफ़ी हाइटेड में, बाकी जहाँ अदर कंपनी इसका जो पावर स्टेयरिंग देते हैं किसान भाइयों काफ़ी नीचे देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ऊपर टॉप में और डुअल एक्टिंग रॉड के साथ ये आपको पावर स्टेयरिंग इसमें देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों इसके डिटेलिंग में बात की जाए तो इंजन में आपको इसमें मिल जाता है कूलेंट कूल टेक्नोलॉजी, जिसके साथ में रेडिएटर में यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव जाली भी देखने को मिलेगी जो कि रेडिएटर को डैमेज होने से बचाता है और साथ ही हीटिंग को कम करता है किसान भाइयों। और उससे कि इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका वाटर कूलेंट के लिए यहाँ पे अलग से सेपरेटर दिया हुआ है जो रिवर्सेबल के साथ आता है किसान भाइयों, जो यहाँ पे रिवर्स आएगा और वापस से फ्लो में चालू हो जाएगा। इसका जो एयर क्लीनर है किसान भाइयों वो आपको 3 स्टेज में आपको ऑयल वाला देखने को मिल जाएगा इसमें ड्राई। उसके अलावा किसान भाइयों इसमें आपको कंबाइंड टाइप का आपको हाइड्रोलिक और स्टेयरिंग के लिए दोनों के लिए कंबाइंड टाइप का आपको पंप देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कि किसान भाइयों अगर स्टेयरिंग के लिए जो ऑयल यूज़ करा जाएगा वो आपका सेपरेट यहाँ से यूज़ किया जाएगा किसान भाइयों, यहीं का ऑयल इसमें से लिया जाएगा। कॉन्टेक्समेंस वाला गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा किसान भाइयों, जो साइड लीवर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसा आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो गियर है किसान भाइयों वो मिलने वाला है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का, जो कि कुछ इस तरीके का लीवर आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं किसान भाइयों ये 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का आपको साइड गियर लीवर के साथ देखने को मिलेगा। इसमें किसान भाइयों इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल और डुअल क्लच का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जो हॉट ट्रांसपोर्टिंग में ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिससे कि हादसाएँ जो हैं वो नहीं होते। इसके अलावा किसान भाइयों इसकी जो स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ये है आइसर का 380 प्राइमा सीरीज हम आपको दिखा रहे हैं किसान भाइयों, जो G3 के नाम से अभी लॉन्च हुआ है। उसके बारे पे हम 5 स्टार के बारे पे आपको कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं, जिसका जो अगर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी किसान भाइयों इसका जो बैटरी प्लेसमेंट है वो बाहर की ओर रखा गया है, सामने नहीं रखा गया किसान भाइयों, ये बाहर ही देखने को मिलेगा जो आइसर के हर एक मॉडल में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों आपको यहाँ पर टायर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 6/16 का टायर फ्रंट में, और रियर टायर की बात की जाए तो किसान भाइयों इसमें आपको देखने को मिलेगा 13/6/28 का रियर टायर। किसान भाइयों इसका फ्रंट बम्पर आपको हम दिखा देते हैं और फ्रंट एक्सल भी आपको दिखा देते हैं किसान भाइयों, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा जो काफ़ी बॉक्सी टाइप का और हैवी ड्यूटी आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही किसान भाइयों टो वगैरह करने के लिए भी यहाँ पे बम्पर के साथ देखने को मिलने वाला है किसान भाइयों। कुछ इस तरीके का प्राइमा का फ्रंट लुक आता है जो आइसर के अभी तक किसी भी ट्रैक्टर में इस तरीके का लुक नहीं देखने को मिला होगा, काफ़ी हाइटेड इसमें कर दिया। और यहाँ पे सामने में आपको प्राइमा का 3G का लोगो भी लगा कर दिया गया है। और इसमें एक और खास फीचर है किसान भाइयों, और अधिकतर आपने अभी तक कार में ये फीचर्स देखा होगा कि होता क्या है, जब भी आप इस ट्रैक्टर को घर पर ले जाकर खड़ा करते हैं तो अधिकतर ट्रैक्टर के अंधेरे जगह पर खड़े होता है और आपको घर तक पहुंचने में काफ़ी अंधेरा लगता है, तो इसमें फॉलो मी होम का भी फीचर्स दिया हुआ है, जो इसमें सामने जो लाइट आप देख रहे हैं दो, ये दोनों लाइट आपके घर में पहुंचते तक 40 सेकंड तक ये जलता रहेगा। अगर आप चाबी भी निकाल लेंगे उसके बाद भी जैसे आप घर पहुंचेंगे ऑटोमेटिक ही खुद भी 40 सेकंड के बाद ये बंद हो जाने वाला है। किसान भाइयों इसका फॉलो मी होम कैसा काम करता है, लाइटिंग का जो सेटिंग दिया गया वो कैसे काम करता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। भैया जी ऑन कीजिए पहले। किसान भाइयों ये देख सकते हैं अब आप चाबी निकाल लीजिए और उतर जाइए, आप चाबी लेके उतर जाइए। किसान भाइयों देख सकते हैं अभी भी लाइट चालू, आप चाबी दिखाइए भैया, ये देख सकते हैं किसान भाइयों ये चाबी है भैया के पास, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं लाइट अभी भी चालू है, आप टाइमिंग मैच कर सकते हैं किसान भाइयों, जैसे ही ये 40 सेकंड होगा लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे ये होता है किसान भाइयों कि अगर आप अंधेरे जगह पे हैं तो आप एक सुरक्षित जगह में पहुंच जाइए, अपने घर तक पहुंच सकते हैं और ट्रैक्टर अपने जगह पे ये खड़ा रहेगा। ये फीचर आपको पहली बार ट्रैक्टर इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, जो खास करके अभी तक कार में ही देखने को मिला करता था। ये देख सकते हैं किसान भाइयों जैसे टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिक ट्रैक्टर में कोई नहीं बैठा है, भैया के पास चाबी रखा हुआ है और ये जो है ट्रैक्टर अपने आप इसका लाइट जो है वो बंद होगा, आप देखते रहिए।
ये देख सकते हैं किसान भाइयों, जैसा 40 सेकंड कंप्लीट होता है, आइसर प्राइमा सीरीज में, प्राइमा का किसी भी ट्रैक्टर में हो, प्राइमा सीरीज में आइसर का सभी ट्रैक्टर में ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों इसमें आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉली को अनलोड करने के लिए यहाँ पे पहले से पॉइंट बना कर दिया गया है, जो कि कंपनी फिटेड आपको देखने को मिल जाता है। इसमें फॉरवर्ड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ को दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों इसमें आपको मिलने वाला है 1650 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ ही आने वाला है। और साथ ही किसान भाइयों इसमें जो एडवांस तरीका यूज़ किया गया है वो आपको मिलने वाला है, ड्राफ्ट पोजीशन एंड रिस्पांस कंट्रोल के लिए यहाँ पे आपको डबल पॉइंट देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों, जिसे कैट 2 भी बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ पे ये देखने को मिलने वाला है। साथ ही 3 पिन लिंकेज के साथ ही आने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया किसान भाइयों इसमें 1650 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ इसे दिया गया है। और किसान भाइयों 40 HP कैटेगरी में आपने ये बॉक्स टाइप का आप यहाँ पे स्विच एंड देखने को मिल जाता है किसान भाइयों, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी में दिया गया है। और साथ ही पीछे का किसान भाइयों जैसे इंप्लीमेंट आपको अटैच करना है उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हैवी ड्यूटी इसे बनाया गया है। उसके अलावा किसान भाइयों अगर मैं आपको इसको टोटल लेंथ की अगर बात की जाए, जो लेंथ होता है ये ट्रैक्टर का, इसकी पूरी लंबाई कितनी रहने वाली है और साथ ही चौड़ाई, उसके बारे पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, टोटल ट्रैक्टर की लंबाई मिलने वाली किसान भाइयों 3475 mm का, जो पीछे से लेके पूरे आगे तक के लंबाई इसमें दी गई है। और साथ ही इसमें आपको 1770 mm की विथ दी गई है, जो इसके सामने से चौड़ाई होने वाली है किसान भाइयों। और साथ ही ओवरऑल हाइट इसकी 2150 mm की दी गई है, और दोनों चक्के के बीच की जो दूरी है वो आपको मिलने वाली 1910 mm की। और साथ ही ट्रैक्टर का टोटल वजन आपको मिलने वाला है 1902 किलो का वजन, आपको 2 व्हील के साथ और 4 व्हील के साथ ये बढ़ जाता है। 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है किसान भाइयों। और जैसा कार वाला सिस्टम होता है कि इसे आप प्रेस करेंगे तभी ये खुलेगा, कुछ इस तरीके का ये फ्यूल टैंक ओपन हो जाता है। और यहाँ पे चाबी लॉक दी गई है ताकि इसकी सेफ्टी भी बने रहे। दादी ये फीचर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि अभी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपको पहली बार ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपको फुटरेस्ट काफ़ी नीचे देखने को मिल जाता है, और इसमें चढ़ना उतरना काफ़ी आसान है। किसान भाइयों इसका जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग के साथ डिजिटल दोनों ऑप्शन मिल जाता है, और डिजिटल छोटा मोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, जिसमें आइसर की बेसिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, टाइमिंग भी दिखाता है कितना ओवर चल चुका है, और RPM भी जो है वो भी आपको डिजिटल में देखने को मिलेगा, जो इसमें सारे इंडिकेट जैसे कि फ्यूल, ऑयल, हीटिंग और बैटरी, इसके अलावा भी ऊपर पूरे इंडिकेटर और सारे सिग्नल आपको यहीं पे देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इसके स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट सा आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें आपको मॉड्यूल भी मिल जाता है, जिसे पावर स्टीयरिंग में टर्न करने पर काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा किसान भाइयों इसकी जो चाबी है वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी नया है। अधिकतर ट्रैक्टर की चाबी ऐसी होती है कि एक चाबी से आप दुनिया के किसी भी ट्रैक्टर को चालू कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। और किसान भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा शानदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।